नमस्कार दोस्तों, मैं केडीसी हूँ। आज हम बात करेंगे इंडिया में हो रहे रेप के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया में जो अनगिनत रेप्स हो रहे हैं, जो हमारी इंडियन गर्ल्स के प्रति जो अत्याचार या जो टॉर्चरिंग जो हो रहा है, जो उनका फ्रीडम छीना जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हम तुरंत क्या करते हैं कि रेपिस्ट को ऐसा कर देना चाहिए, ये कंट्री में ऐसा होता है, बहुत सारे तुरंत हमारी उंगलियां चलने लगती हैं, राइट। किसी का मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ये करो, बस यही करते हैं, ये चलेगी 4 दिन, फिर उसके बाद 4 दिन के बाद भूल जाने का, फिर हम दूसरी राह देखेंगे कि अगला रेप किसका होगा। लेकिन इसके बल्कि हम ये नहीं सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, कहाँ इसका जड़ है, इसका रूट कहाँ है, इसे कैसे सुधार सकते हैं। मैं मानता हूँ ये 1-2 दिन का सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन अगर हमको लाना है, मिलकर लाना है, पूरे सिस्टम को बदलना है, तो इट विल टेक यस। आज मैं अपना थोड़ा मंतव्य, मैं अपना व्यू बताऊँगा, राइट। अगर आपको ये ठीक लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, सो दैट ये आइडिया लोगों तक पहुंचे, राइट। एज अ टीचर मैं मानता हूं कि अगर एक अच्छी सोसाइटी बनानी है, अगर एक अच्छा समाज क्रिएट करना है, तो दो लोग जिम्मेदार हैं, एक है शिक्षक और दूसरा है कानून। हाँ जी दोस्तों, ये जो कानून के रखवाले हैं ये, दूसरे जो गुरु है वो। गुरु जो है वो मैन्युफैक्चरर है सारे प्रोडक्ट्स का, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, इंजीनियर हो, राइट, बाल के गले पे खड़े रहने वाला युवान हो, ये सारे प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो है गुरु। तो यहाँ हमारी बात शुरू होती है। एक अच्छा गुरु वही है जो इंजीनियर्स भले प्रोड्यूस करें ना करें, अच्छे इंसान जरूर प्रोड्यूस करें, इसीलिए तो गुरु नाम दिया गया है। उस जमाने में गुरुकुल होता था, सो दैट बच्चे जो है गुरु के बाहर रहे, सादगीपन सीखें, मेहनत सीखें, अच्छे संस्कार सीखें, और जब वो असल दुनिया में जाए तो वो सारे जो सीखा है उसका वो पालन करें, और वो पालन अपने आप आ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि हर टीचर ये सोचता है कि मैंने 400 इंजीनियर मैंने बनाए हैं, मैंने 40 डॉक्टर बनाए हैं, राइट। लेकिन ऐसा कोई गुरु, ऐसा टीचर बोले कि मेरे सारे बच्चे शिस्त के पालन हैं, इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन अच्छे सिटीजन जरूर बने हैं, और अगर अच्छे सिटीजन बनाए हैं अपने, तो आपने अपना काम कर दिया, आप उस भगवान से भी बड़े, और इसीलिए आपको गुरु का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। दोस्तों, यहाँ भी मैं एक बात बताऊँगा, जब से ये पैसा अंदर घुसा है, कोई भी प्रोफेशन हो, ये पैसा अंदर घुसा है, ये जो मनी टैग, प्राइस टैग जो लगने लगा है, तब से हर चीज़ का जो वैल्यू है वो कम हो गया है। प्राइस वैल्यू दोनों में बहुत फर्क है। प्राइस जिस चीज़ का रखा जाता है ना, वो खरीदा जा सकता है, लेकिन वैल्यू जिसका बनाया जाता है ना, वो कभी खरीदा नहीं जा सकता है। तो संस्कार जो है वो वैल्यू में आता है, डिग्रीज जो है वो प्राइस में आता है। आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है तो आपको 30 लाख रुपया देना पड़ेगा, आपको अगर MBBS करना है तो आपको 70 लाख देना पड़ेगा, दिस ऑल आर प्राइस टैक्स। तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो रेप्स होते हैं, ये इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, मैं भी हूँ, शायद मेरी कहीं गलती हो गई होगी जिससे एक अच्छा स्टूडेंट मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाया, ये हो सकता है। तो ये इस तरह अगर हर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी लेकर शुरू करें तो हो सकता है हम इसे रोक सकते हैं, कुछ एक नई दुनिया बना सकते हैं, जहाँ हर लड़का और लड़की को इक्वल वैल्यू से देखा जाए, लड़की को कोई चीज की तरह ना देखा जाए, राइट।
वो जो सिस्टम है वो बदलना बहुत जरूरी है। अब बात करता हूँ कानून की। हाँ दोस्तों, कानून ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का बहुत जरूरी है। कानून इसीलिए बनाया गया कि पब्लिक जो है, पीपल जो है, वो सेफ फील करें, लेकिन अब वो रहा नहीं। अब कानून पे जब प्राइस टैग लगने लगा, कानून पे जब प्राइस टैग लगने लगा है ना, तब से एक डर सा स्टार्ट हो गया है। एक छोटी सी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी ये कोरोना वायरस पैंडमिक के टाइम में गवर्नमेंट ने अगर ऐसा बोला है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं होंगे तो नहीं होना चाहिए। वो इतने एक्सपर्ट्स का कंसल्टेशन लेने के बाद ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, राइट? पूरे इंडिया को एज अ होल सोसाइटी के वेलफेयर का सोच के ऐसा डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जस्ट एज ए इंस्टीट्यूशन ओनर अगर आप सोचो तो आपको ऐसा लगेगा ये गलत हो रहा है हमसे। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक टीचर ने अपना क्लासेस खोल के बैठे थे, पुलिस को पता चला, राइट? तो बहुत अच्छी बात है, कानून वहाँ आया उनको रोकने के लिए, बातें हुई कानूनी तौर पे, सब कुछ बात हुई, फिर एक प्राइस टैग लगाया गया, खत्म हो गई बात। कहाँ रहा कानून, कहाँ रहा एजुकेशन? और फिर प्राइस टैग के साथ कानून वापस चला गया और इंस्टीट्यूट फिर से चालू, यही पेंडेमिक में। बताइए अब क्या करना चाहिए, अब कहाँ रहा सिस्टम? इस तरह का सिस्टम होने के कारण ही हम कोई चीज को सुधार नहीं पा रहे हैं। अगर हर गलत काम का एक प्राइस टैग लगाया गया तो वो जो गलती करता है ना, उसे एक बिंदास बना जाता है। अरे ये गलती करेंगे तो 400 रुपये देना है, 600 रुपये देना है, 10,000 देना है, 2,00,000 देना है, बस खत्म। बाकी तो पता है कि कुछ होने वाला नहीं, क्यों? प्राइस टैग, ये प्राइस टैग अब काम करने लगा है। अब गलती में कानून के रखवालों को भी नहीं बोलूंगा, वहां भी एक सिस्टम में प्रॉब्लम है। देखिए शुरुआत से ही प्रॉब्लम है सर। अब वो उस स्थान पे आने के लिए उसने कितना प्राइस टैग दिया वो भी इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल, एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में एक PI की बदली करानी हो, प्राइस टैग लगता है। बताइए प्राइस टैग किस बात की जरूरत है? PI को, पुलिस इंस्पेक्टर को कहीं भी काम करना चाहिए, चाहे वो यहाँ हो या वहाँ। अगर एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन पर प्राइस टैग लगता है, मतलब वहाँ पर इनकम होना चाहिए, मतलब वहाँ कानून की रखवाली कम और आवक वाली ज़्यादा हो जाती है, राइट? ये प्रॉब्लम है। अब वहाँ आप किस तरह का सेफ्टी फील करेंगे? यही होता है, आप ये सिस्टम का चेंज नहीं कर पाए, ये सिस्टम को अगर हम सुधार नहीं पाए, फिर हम भले ये 4 दिन का ट्विटर व्हाट्सएप अरे ऐसा हो गया, बेचारे का रेप हो गया, उसका रेस कर दिया, उसकी जबान काट दी, ये वो, दैट्स ऑल, 4 दिन के लिए, फिर पिक्चर खत्म, फिर वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेलर, यही चलता रहेगा। ये उस दिन आपको नड़ेगा जिस दिन ये हादसा आपके घर की बेटी के साथ होगा, तब आप सोचोगे अरे कहीं गलती हो गई। हाँ सर, तो लेट्स वेक अप नाउ, इट्स टाइम टू वेक अप। छोटी छोटी बातें, अपना छोटा छोटा काम परफेक्शन के साथ करो, इथिक्स के साथ करो। इस दुनिया के लिए, अगर इस दुनिया में हम आए हैं तो कुछ अच्छा काम करके जाओ, सो दैट आने वाले पीढ़ी आपको याद रखे। ओके दोस्तों, तो मैं मानता हूँ कि ये सिस्टम में आप और हम सब लोग का रोल है। तो अगर कोई कहीं गलती कर रहा है तो उस गलती में सिर्फ वो गलत नहीं है, उसके पीछे जो जो है उसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और वहाँ से हमको सुधारना है। उसको पनिशमेंट देने से कुछ नहीं होगा, पूरे सिस्टम को अगर चेंज करेंगे तो उसको पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? Thank you for watching this video. Have a nice day.